उत्तर प्रदेश कांग्रेस राज्य के घर गांव हर शहर में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीब 10 लाख कैलेंडर के वितरण की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। पार्टी की मीडिया कोऑर्डिनेटर ललन कुमार के मुताबिक टेबल पर रखे जाने वाले 12 पेज के इस कैलेंडर के हर पेज पर प्रियंका गांधी की तस्वीर होगी। इसमें राजनीति में सक्रिय होने के बाद से उनके अब तक के सफर को दर्शाया गया है। इसमें उनके अलग अलग मूड और एक राजनेता के दयालु स्वभाव की भी झलक मिलेगी। तस्वीरों में प्रियंका को आदिवासी महिलाओं से बात करते, अमेठी में महिलाओं से मिलते, उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रार्थना करते, लखनऊ के गांधी जयंती के कार्यक्रम में भाग लेते, वाराणसी में रविदास में हिस्सा लेते और हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलते दिखाया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि कैलेंडर को उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। इसे साल 2022 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी का प्रचार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर सूत्रों की मानी जाए तो कैलेंडर में इस ओर भी इशारा किया गया है कि अगले आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस।